मैं ये पॉपिट लेकर आई थी और आई थॉट कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हम लोग इन्वेंशन करेंगे। वहाँ पे मेरे पास ना मिनी M&M थी, तो मैंने वो यूज़ की है और हर ब्लॉक में अच्छे से एक एक रख दी है, हर ब्लॉक में। तो कम पड़ गई थी वैसे तो मैंने 1 2 3 4 4 लाइनें कवर करी हैं बस। ओके, और ऊपर ना कम पड़ गई थी तो बस मैंने 4 लाइनें कवर करी और फिर इन सबको ना अच्छे से लगाया इस टाइप से। और आप इसे एंड तक देखना, ये बनकर आई या नहीं। अभी मैं इसमें ना, पहले मैंने सोचा था कि आई विल ऐड चॉकलेट, फिर मैंने प्लान चेंज किया, चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास आइसक्रीम रखी थी, आई थॉट कि आइसक्रीम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस कवर करी हैं इसने, ये रही आइसक्रीम, हम लोग इसे आइसक्रीम लगा देंगे। इतना सिंपल नहीं था, इतना सोचने में लग रहा था ये, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैंने इसे ऐसे प्रेस किया, ये तो निकल के आने लगी। फिर मैंने इसे उंगली से करना स्टार्ट किया कि इसे हल्के हल्के उंगली से प्रेस करते रहो और ये आइसक्रीम बैठती जाएगी। और फिर ये सब करने के बाद एक लाइन करी, 2 लाइन की, ऐसे ही किया। और फिर ना मैंने इसको ना फ्रीज़ करने के लिए रख दिया, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा रख दिया था मैंने इसे फ्रीज़र में। मैंने कहा अच्छे से जमने दो इसे। और जब जैसे ही मैंने निकाला, क्या लगता है आपको, निकल कर आएगी या नहीं? ये नहीं निकल कर आई, पता नहीं क्यों। निकाला मैंने इसे फ्रिज से, ये तो एकदम मेल्ट होने लगी और मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं निकल कर ही नहीं आया। के दिया इस टाइप से आया, मेल्ट होने लगी एकदम, मतलब इम्पॉसिबल है बनाना, नहीं आइसक्रीम से तो बन ही नहीं सकता। पता नहीं, मेरा तो बनकर नहीं आया। अगर आपने ट्राई कर रखा है, अगर आपका आया है तो मुझे कमेंट में बताना। फिर मैंने इसे बहुत ऐसे करके से झटका दिया, मतलब निकले भाई निकले। फिर इसे अंगूठे से खुद ऐसे निकाल निकाल के खाओ, ऐसे निकल सकती है जी। ओके बाय।